हमको एक लीडर होना है, वो लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं। कि भाई एक जो है ना शेर दिल इंसान हमारे कौम की फिक्र करे, तो वो चीज़ हमको जो है ना नासिर उस्ताद में इंशाल्लाह दिख रही है। अब फिलहाल हमको बहुत सख्त जरूरत है एक लीडर की। गुंगी सियासत हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये हमको नहीं होना है। इसलिए हम जो है जनता दल पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं तमाम हमारे वार्ड नंबर 14 वार्ड नंबर 16 की अवाम से गुजारिश करता हूँ कि कल जो है ना हमारे प्रोग्राम में शरीक रहें। जुमा के दिन जो है ना हम सब हमारी टीम जनता दल में ज्वाइन हो रही है कि नासिर उस्ताद को इंशाल्लाह जो है ना हम जिता कर लाएंगे। This video presented by Peace Islamic International School Branch Hagraga Road and Misbah Nagar Gulbarga. Students getting education for both the worlds. Best academic English education. Diploma in Arabic. 2023 admission started. Contact and visit school for more details. Dadal party mein jo hai hamari puri team join ho rahi hai. Inshallah Gulbarga ki awam ko ye hum ek khushi ki baat aur khushi ki itla de rahe hain. जुमा के दिन जो है ना हम सब हमारी टीम जनता दल में ज्वाइन हो रही है और आप तमाम से भी हम गुजारिश करते हैं कि कल जो है 4 बजे से जो है इफ्तार तक एक प्रोग्राम रखा गया है बहुत बड़े पैमाने पर, जिसमें हमारे खदीर भाई हैं, मज़र भाई हैं, मैं हूँ, हमारे महमूद भाई हैं और हमारी पूरी टीम कल इंशाल्लाह जो है ना जनता दल में हम ज्वाइन हो रहे हैं। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि नासिर उस्ताद को इंशाल्लाह जो है ना हम जिता कर लाएंगे। और आप जो इलेक्शन के जो हालात हैं वो हालात को देखते हुए हम लोग ये फैसला लिए हैं और बहुत सख्त ज़रूरत है अब हमारे जो है ना नॉर्थ जो है ना हमारे जो है एरिया में कि भाई एक जो है ना शेर दिल इंसान जो हमारी जो हमेशा हमारे साथ रहे और हमारी मदद करे, हमारी कौम की फिक्र करे, तो वो चीज़ हमको जो है ना नासिर उस्ताद में इंशाल्लाह दिख रही है। इसलिए हम जो है ना सब भी मिलकर जो है ना कल जनता दल पार्टी में ज्वाइन हो रहे हैं। मैं तमाम हमारे वार्ड नंबर 14 वार्ड नंबर 16 की अवाम से गुजारिश करता हूँ कि कल जो है ना हमारे प्रोग्राम में शरीक रहें और इफ्तार और ताम का भी नज़्म रखा गया है इंशाल्लाह प्रोग्राम के बाद। और आज के जो हालात हैं, कल जो मुस्लिम चौक पे जो वाक़या हुआ, मैं मुस्लिम चौक पर मौजूद था दुकान पर, कमिश्नर जो है ना आकर जो है ना पूरे कारोबार बंद करा रहा था 11 बजे, तो मेरे को एकदम से ख्याल आया कि भाई नासिर उस्ताद को फ़ोन करें, बोल के मैं खुद फ़ोन किया नासिर उस्ताद को। 10 मिनट में जो है ना वो मुस्लिम चौक पर थे, कल आकर जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने बहुत अच्छी बात करे, बात करने से जो है ना आज जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जो है ना कारोबार चालू हैं, वरना अगर कल वो नहीं आते तो शायद आज से कारोबार बंद हो सकते थे। वो देख कर हम लोग जो है ना ये फैसला लिए हैं कि भाई एक मर्द आदमी की ज़रूरत है क़यादत के लिए, तो इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे नासिर उस्ताद को जिता के लाने की। और मैं पूरी नॉर्थ की अवाम से जो है गुजारिश करता हूँ पूरे एक होकर मुत्तहिद होकर वोट डालें, जैसा हमेशा खमरुस्सलाम को हम जिताते थे, हमेशा से जो है ना एक ही पार्टी को जिताते थे वो थे खमरुस्सलाम। अब उनके बाद अगर कोई चीज़ हमको समझ में आ रही तो वो नासिर उस्ताद हैं। लिहाजा मैं हमारे बहनों से माओ बहनों से गुजारिश करता हूँ कि अपना वोट ज़ाया मत कीजिए, नासिर उस्ताद का साथ दीजिए। इंशाल्लाह आपके जो भी घर के प्रॉब्लम, दुकान के प्रॉब्लम जो भी हैं, इंशाल्लाह हम उनसे काम ले सकते हैं। 24 घंटे उनके हम घर पर जो है ना जाकर बात कर सकते हैं, उनसे काम ले सकते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा कल तादाद में शरीक होकर ये प्रोग्राम को कामयाब करें। अस्सलाम वालेकुम। रहमतुल्लाहि बरकातहु। कल जो वाक़या हुआ मुस्लिम चौक पे, हमको एक गूंगी बहरी सियासत नहीं करना है, हमको हमारा एक लीडर होना है। डिस्ट्रिक्ट में हमारा कोई वजूद नहीं है मुस्लिम क़यादत का, जो लीडर जिसको बोलते हैं, वो चीज़ धीरे 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 ख़त्म होते जा रही है। इसलिए हम ये देखकर फैसला लिए हैं कि हमको आगे बढ़कर आगे आना चाहिए, क्योंकि हम अगर आगे आ रहे हैं तो और भी लोग आगे आएंगे इंशाल्लाह। अब फिलहाल हमको बहुत सख्त ज़रूरत है एक लीडर की, क्योंकि हमारी कौम हर जगह धक्के खा रही है, हर जगह पुलिस स्टेशन में एक सर्कल को नहीं बात कर सकते मैडम, एक कांस्टेबल को नहीं बात कर सकते, ये हालत गुलबर्गे की हो गई है। यही कमिश्नर गुलबर्गा में आदिल सुलेमान मुल्के जो उनके भांजे हैं, उनको ऐसा मारा कि पूरे गुलबर्गा का पूरा कर्नाटक उसको देखा सो है। वही पोस्ट के कमिश्नर को नासिर उस्ताद साहब अवाम के लिए, मुसलमानों के जो कल कारोबार के ऊपर जो असर, जो लोग आके जो हरदर्मी कर रहे थे, जो बीजेपी जो भेज के ये करा रही है, इसको मुँह तोड़ जवाब दिए हैं। ऐसा लीडर हमको होना चाहिए। और ये जितने भी हमारे गुलबर्गे के ताजिर और जो बाज़ार के ताजिर हैं, ये पूरे लोग इकट्ठा होके अगर हम चाहें तो खमरुल इस्लाम साहब के जैसा एक लीडर को ला सकते हैं, जो आने वाले 20 से 25 साल तक हमको एक लीडर होना है, और वो है नासिर हुसैन उस्ताद साहब।
आज जो हालात हैं ये हालात ऐसे हैं, दिन ब दिन ऐसे खराब होते जा रहे हैं, हमारा कोई पुरसाने हाल नहीं है। कर्नाटक में हिजाब का मसला, NRC का मसला और कोरोना के टाइम पे कोई अगर लीडर अगर डिपार्टमेंट से बात कर रहा है बोले तो वो है नासिर हुसैन उस्ताद। पूरे ताजिर एक हो के पूरे बाज़ार के जो हमारे जो अपने आप को दानिशमंद बोलते हैं वो दानिशमंद एक हो के अगर ये करेंगे तो फिर से इस बार एक खमरुल इस्लाम साहब के ऐसा लीडर लाएंगे। मैडम की जो बात है वो घर की औरत है एक, वो घर की औरत को वो औरत नहीं ठहरना बोले तो भी उसको ज़बरदस्ती करके ये हमारे चंद जो 20-25 लोग हैं जो कौम को बेच रहे हैं, बेच के जो है अपन पैसा बना के एक गूंगी सियासत हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये हमको नहीं होना है। हमको एक लीडर होना है, वो लीडर नासिर हुसैन उस्ताद साहब हैं। और मैं तमाम गुलबर्गे की अवाम को, गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में जो पूरी मुसलमान की है एक लीडर, मजबूत लीडर की क़ियादत वो है नासिर हुसैन उस्ताद साहब में। आने वाले दिनों में जैसा BJP हर चीज़ एक एक ख़त्म करते जा रही है, असेंबली में आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं है। और कांग्रेस पार्टी एक हुदूद है, एक मुसलमान भी अगर उसके अंदर है तो मुसलमान में भी बात नहीं कर सकता हो, क्योंकि एक पार्टिकल लाइन है, वो लाइन से बाहर जाके नहीं बात कर सकता। कुमार स्वामी साहब जो परसों जो एक हादसा हुआ उसके बारे में जेल में डालना चाहिए बोल के बोल दिए उन्होंने, वही बताओ कोई बोले कांग्रेस पार्टी में? कांग्रेस पार्टी सिर्फ वोट बैंक, मुसलमान वोट बैंक, और मुसलमान को ठहरा करके लड़ा के वो सीट को ख़त्म करना चाह रही है। मैं अदबन गुजारिश करता हूँ गुलबर्गे के अवाम से कि ये चीज़ को समझिए, ये मौका बहुत दिन ब दिन ख़त्म होते होते आज ख़त्म पे है। अभी भी अगर आप लोग एक होकर इकट्ठा होकर कमरुल इस्लाम साहब को मुस्लिम लीग से भी जीता है, फिर जनता दल से भी जीता है, फिर कांग्रेस से भी जीता है, ये हमारी नॉर्थ में इत्तेहाद है, ये इत्तेहाद को बरकरार रखते हुए अगर आज हम पार्टी को साइड में रखिए, एक मुस्लिम लीडर हमको होना है बस। मुस्लिम लीडर के लिए हमको नासिर हुसैन उस्ताद साहब एक आवाज़ है मुसलमानों की। हम कारोबार वाले हैं, हम आए दिन देखते हैं कि भाई हमको कौन से ऑफिस में क्या हरासमेंट हो रहा है, रिश्वत क्या बढ़ गई है और कौन फ़ायदा ले रहा है, ये चंद लोग फ़ायदा ले रहे हैं इसका, बाकी सब लोगों के लिए वही धक्के। तो मैं लिहाजा गुलबर्गा नॉर्थ की अवाम और गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में एक मुस्लिम लीडर अगर होना है तो नासिर हुसैन उस्ताद साहब होना है। इसलिए हम लोग बाहर आकर कौम को जगाने के लिए हम आगे आए हैं, ये हमारी एक कोशिश है। इसको अगर आप लोग इकट्ठा होकर एक ताकत बनकर अगर आप मजबूती से अगर ये करेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मुसलमान मेजॉरिटी बोल रहे हैं कि भाई चंदू पाटिल जीतेगा अगर हम वोट डिवाइड कर दिए बोले तो, ऐसा क्या भी नहीं है। जैसा उस बार जैसा डाले एक वो एक होकर, इस बार भी एक होकर डालिए, एक लीडर लाइए, वो तो देखे ना भाई कमर साहब के बाद भी, कमर साहब के साथ भी बोल के अब एक चेंज लेंगे, एक लीडर लेंगे। एक चंदू पाटिल बोल के ऐसा डरा रहे क्या, एक बहुत कर्नाटक में ऐसा है कि भाई उन अगर आया गुलबर्गे में तो पूरा गुलबर्गा तबाह हो जाएगा, ऐसा क्या भी नहीं है। BJP आई तो भी क्या भी नहीं हो रहा, वही दंगे फसाद, वही मुसलमानों को हरासमेंट। तो नॉर्थ की भी एक सीट हम ला सकते हैं ना, एक होकर एक लीडर चुन सकते हैं। लिहाजा मैं नॉर्थ की अवाम से अपील करता हूँ, एक लीडर इस बार लाएंगे, वो नासिर हुसैन उस्ताद साहब की शक्ल में इकट्ठा होकर एकजुट होकर। हम जो लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जो ये कर रहे हैं, ये लोगों से एकता बताने के लिए कर रहे हैं हम, ये यहाँ से एक शुरुआत, आगे बढ़कर जब हम निकले हैं तो और भी हमारे पीछे और बढ़ना है। हेलो,
लिहाजा मैं ये बोलते हुए अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम।